एंड और अगला इनका क्वेश्चन है आई लव यू। चल झूठ कि भाई आप सिंगल हो या फिर मिंगल हो? वेल आई एम सिंगल। झूठ बोल रहा है। सारी का प्लीज तेरा मेरा साथ रहे क्यों ऑफर हो गया ये बस। चलिए शुरू करते हैं। वेल कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और दिस इज योर फ्रेंड टोटल अपडेट। जैसा कि मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग से अपडेट देता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लाया जाए अपनी ऑडियंस के लिए। और यहाँ पर मैंने कम्युनिटी टाइम में आप लोगों से पूछा था कि बहुत ही जल्द तेरा मेरा साथ रहेगा Q&A वीडियो आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हो भाई तेरा मेरा साथ रहे को रिलेटेड पूछ लेना। और भाई 90-95% ने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि तेरा मेरा साथ रहे का सीजन 2 कब आएगा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जिनको मैं स्पीडो में कवर करने वाला हूँ। और ये मैंने सोचा कि ऑलमोस्ट सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए तेरा मेरा साथ रहे को रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन है सबको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, एक्सेप्ट दोस्त क्वेश्चन जो कि तेरा मेरा सबसे सिमिलर क्वेश्चन मुझे लगे। जैसे कि तेरा मेरा साथ रहे का सीजन 2 हजारों लोगों ने पूछा, तो यार सबको मेंशन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तेरा मेरा साथ रहेगा सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो कब आएगा, किस चैनल पर आएगा, कहाँ पर आएगा? बहुत सारे कंफ्यूजन है तेरा मेरा साथ रहेगा सीजन 2 को रिलेटेड। वेल तो मैं आपसे पूछता हूँ सीजन 2 है किसका आता है? उसका आता है जिसका कि सीजन 1 बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट गया हो। लेकिन तेरा मेरा साथ रहे के केस में ऐसा नहीं हुआ, ये बात हम सभी को पता है। तेरा मेरा साथ रहे इवन 1 साल भी, 1 साल भी उसने कंप्लीट नहीं कर पाए, केवल 200 एपिसोड कंप्लीट कर पाए थे। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लो TRP उसको ऑफर करना पड़ गया। और लो TRP क्यों आती थी? क्योंकि स्टार भारत पर टेलीकास्ट किया जाता था। तो यहाँ पर सीजन 2 आने के मुझे तो कोई चांसेस नहीं लगते। यही नहीं अभी और सुनिए, लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए गुड न्यूज ये है, आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट मत होना, कि कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि स्टार भारत को एक नेचर में मॉडिफाई किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वहां पर जो स्टार भारत के बहुत सारे सुपर टूपर हिट टीवी सीरियल हैं, जैसा कि राधा कृष्ण किया, हाल मिस्टर पांचाल, तेरा मेरा साथ रहे, इनके सीजन 2 आपको देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली, जिसके मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा कम चांसेस लगते हैं। तो प्लीज ज्यादा उम्मीद मत रखना कि तेरा मेरा साथ रहे का सीजन 2 हमको देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाई रोमो गेम प्ले। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे भाई इन्होंने रोमो गेम प्ले ने। तीन क्वेश्चन है, मैं तीनों को एक साथ ही बता देता हूँ। सबसे पहले भाई इन्होंने ये पूछा है कि आपको तेरा मेरा साथ रहे और साथ निभाना साथ है कि सीजन 1 में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? तो डेफिनेटली मेरा तो साथिया सीजन 1 फेवरेट है, तो मुझे साथिया के सीजन 1 ऑफकोर्स तेरा मेरा साथ रहे तो काफी अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन है भाई रोमो गेम प्ले की तरफ से ही, कि यहाँ पर भाई आपको सबसे फेवरेट स्टोरी तेरा मेरा साथ रहे की कौन लगी और सबसे ज्यादा बकवास स्टोरी कौन सी लगी? डेफिनेटली मेरी फेवरेट स्टोरी स्टार्टिंग वाली स्टोरी थी, जहाँ पर भाई गोपिका डेफिनेटली गवार ही थी। और यहाँ पर सबसे जो स्टार्टिंग मतलब जो लास्ट वाली स्टोरी थी, मुझे पता नहीं क्यों उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। यहाँ पर तीसरी वाली स्टोरी मुझे आई थिंक सबसे ज्यादा बकवास स्टोरी लाइन लगी। अगला स्टोरी बताओ जो कि मेकर्स दिखाना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं दिखा पाई क्योंकि तेरा मेरा साथ रहे और फिर चला गया। तो वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ तो ऐसी स्टोरी बहुत सारी थी जो मेकर्स ने बिल्डअप ही कर ली थी, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा। जिनमें दो तो मेन स्टोरी थी, एक तो भाई यहाँ पर मिनल का नेगेटिव कैरेक्टर होना, मेकर्स इसको डे 1 से प्लानिंग कर रहे थे लेकिन अच्छे टाइमिंग के साथ यहाँ पर सेल करना चाहते थे मिनल के नेगेटिव कैरेक्टर को, लेकिन भाई जो मेकर्स हैं मतलब सुई ऑफेयर हो गया तो क्या ही अब करेंगे। और दूसरा यहाँ पर आपने देखा होगा आशी के कैरेक्टर के साथ भी बहुत सारे मेकर्स ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में आशी आपको मेन विलेन के तौर पर देखने को मिलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सुई ऑफेयर जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर मलाइका सिंह का, आपकी आवाज बहुत ज्यादा प्यारी है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछे वैन, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी वॉइस के बारे में कुछ अच्छा बोला है। और मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कितने साल का हूँ और आगे क्या करने वाला हूँ, इन सबसे रिलेटेड यार कोई दूसरा वीडियो आने दो ना, कुछ अच्छा चैनल पर करा, एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो लगवा दो जो मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बता सकूँ। इवन अभी तो फेस कम वीडियो भी बहुत ही कम आ रही हैं, तो अगर अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं आपको अच्छी खासी फेस कम वीडियो डेफिनेटली देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाई मंजू सिंघानिया के तरफ से, ये पूछती हैं भाई यहाँ पर आखिरी वाले स्टोरी में यहाँ पर केसरी के जो मतलब पिताजी चिराग और राशि पर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया गया? वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ ये काफी ज्यादा क्लेवर है क्योंकि इनको आगे की भी स्टोरी पता है। तो हाँ आगे वाली स्टोरी में केसरी और इस बार यहाँ पर चिराग राशि पर इसलिए ज्यादा फोकस किया गया था क्योंकि ये एक आगाज था। अब ये वाला जो यहाँ पर श्रद्धा की एंट्री थी ना, ये एक बिल्कुल न्यू डिफरेंट चैप्टर था जो कि यहाँ पर गोपिका और सत्यम के बच्चे से रिलेटेड होने वाला था। तो यानी इन फ्यूचर मेकर सबको बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न दिखाई देने वाले थे, मतलब हमको देखने को मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बीच में ही ऑफेयर की खबर आ गई। इवन जब श्रद्धा वाली स्टोरी लाइन टेलीकास्ट
कास्ट होना भी नहीं आ पाई थी। और यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आई थिंक 8 मई को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट पर यहाँ पर शूट किया गया था। तो मेकर्स, जो हमारे मेकर्स और ऑडियंस, इवन जो स्टार कास्ट है, वो भी अभी तक कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे कि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मुझे ये आखिरी का एपिसोड ना टेलीकास्ट करना पड़े। मतलब आप समझ गए होंगे, इस स्टोरी को अचानक से ही बंद करना पड़ गया मेकर्स का कोई भी आइडिया। ये तो आखिरी स्टोरी डेफिनेटली नहीं होने वाली थी, बहुत ही बड़े बड़े तड़के होने वाले थे, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोट यार पिक्चर हुए जब अनाउंसमेंट हो गई, तो यहाँ पर इसी स्टोरी को फाइनल स्टोरी बनाना पड़ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है ईशा त्रिपाठी का और ये पूछती हैं, आई लव यू चल झूठ, और आगे लिखती है आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वेल थैंक यू, आपने मेरी वॉइस के बारे में आपने भी काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, एंड आई लव यू। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राहुल विक्रांत का, ये पूछे वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं ऑलरेडी से ही बता चुका हूँ मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, कितने लोग हैं, सारे वीडियो अगले बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ होगा चैनल पर, तो डेफिनेटली मैं अपने रिलेट भी हुई है कि मैंने वीडियो लाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन भी मेरे से ही रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर भाई दिव्यांका कुमारी पूछती है। वाओ दिव्यांका कुमारी पूछती हैं कि भाई आप सिंगल हो या फिर मिंगल हो। वेल आई एम सिंगल, मैंने बता दिया, इस वीडियो में बताना नहीं था। और भाई यहाँ पर भाई नंदिता अंसारी का प्लीज तेरा मेरा साथ रहे की ऑफर हो गया ये बता दो। तो वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी से पहले कवर कर चुका हूँ, तेरा मेरा साथ रहे की टीआरपी काफी ज्यादा लो हो गई थी, 0.2-0.1 आ रही थी, बहुत ही ज्यादा मतलब टॉप 15 में आ रहा था। तो डेफिनेटली यार ऑफर तो होना ही था, और स्टार भारत पर टेलीकास्ट हो रहा था जिसकी वजह से और भी ज्यादा जल्दी ऑफर हमको देखने को मिल गया है। A few moments later. वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी परमानेंट वीडियो बना ली थी, लेकिन भाई बाद में 2 लोगों की नोटिफिकेशन मुझे आते हैं और वो लोग बाद में क्वेश्चन पूछते, तो भाई ये वीडियो मुझे भाई हैंड बनानी पड़ रही है, और जैसा कि मैंने कहा था कि किसी के भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। और प्लीज़ यार देख रहे हो आपके लिए कितने ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि किसी भी ऑडियंस को निराश ना कर सकूँ। तो प्लीज़ आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भाई क्वेश्चन पूछा था मुझसे रुचा जी ने, अब भाई रुचा के ही बारे में क्वेश्चन पूछा है, यानी रुचा हसनवीस हमारी राशि बहन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिरकार रुचा हसनवीस अपना कमबैक कब करेंगी, सीजन 2 में करने वाली हैं। तो बस सबसे पहले बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सीजन 2 आएगा या फिर नहीं आएगा इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। तो ऐसे में भाई रुचा का भी उसमें होना अगर आ भी जाता, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रुचा सीजन 2 में आपको दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि भाई जब वो सीजन 1 में नहीं आई, सीजन 2 में क्या ही आएंगी, क्योंकि भाई रुचा 2020 से अपना कमबैक करने के लिए तैयार है, लेकिन भाई एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हैं जो कि अभी तक टेलीविजन इंडस्ट्री में किसी ने भी नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता भाई रुचा को अपना ये कैरेक्टर कब देखने को मिलेगा, और वो हमको टीवी पर दोबारा कमबैक कब करती हुई नजर आएंगी। वेट करते हैं, देखते हैं भाई रुचा को अच्छा खासा कैरेक्टर कब देखने को, जो वो ढूंढ रही है वैसा कैरेक्टर उन्हें कब मिल जाए। उम्मीद करते हैं भाई जल्द से जल्द रुचा का भी कमबैक हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है भाई प्रांजलि का है कि यहाँ पर ये पूछती है कि तेरा मेरा साथ रहेगी जो टीम है वो अब क्या कर रही है। तो वेल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर जो मोदी परिवार की इकलौती बेटी थी, यानी तेजल का जो कैरेक्टर प्ले करती थी पूजा थापा, वो आपको जी टीवी की शो राधा मोहन में देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर भाई केशव मोदी यानी नितिन वकेरिया, आपको कलश का टेलीविजन प्रोग्राम इस भाई वो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी वरुण जैन यानी चिराग अच्छे से वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोग जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसका वेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट आ जाए तो मैं भाई कर लूँ, बाकी 2 लोग बिजी हैं जो मैंने आपको बता दिया। वेल तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था जो कि मैं पिक करना भूल गया था, जिस पर पूरा थंबनेल वेस्ट था कि आखिरकार यहाँ पर भाई ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग टैग गोल्ड का क्वेश्चन है, और भाई ये पूछते हैं कि क्या तेरा मेरा सातरे का सीजन 2 आ रहा है, और उसके आगे कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है वहाँ पर भाई 3 बहनों की कहानी दिखाई जाए, जो कि होने वाली हैं देवलीना भट्टाचार्य, रुचा हसनवीस और जिया मानिक, और जहाँ पर भाई जिया मानिक ही एक गोस्ट का कैरेक्टर प्ले करे जो कि एक साया मतलब भूतिया साया हो, और तेरा मेरा सातरे की कहानी एक हॉरर स्टोरी हो जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आए, और यहाँ पर भाई जो रूपल पटेल है इनका जो कैरेक्टर हो एक नेगेटिव कैरेक्टर हो और एकदम हटके कैरेक्टर होना चाहिए, और एक तांत्रिक का कैरेक्टर ये प्ले करें जो कि इन तीनों बहनों की बर्बादी चाहती है। तो वेल मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही कमाल की स्टोरी आपने बता दी, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही 0.001% भी
मुझे नहीं लगते हैं कि अगर तेरा मेरा साथ रहेगा सीजन 2 आ जाए घरी वो तो मान लो और उसमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वेल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि अगला Q&A वीडियो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो किस टॉपिक पर अगला Q&A वीडियो चाहिए। थैंक यू।